सुप्रभात बच्चों, आप लोगों को पिछली कक्षाओं में वीडियो में दिक्कतें हुई होंगी, तो अब आगे हम उसके आगे देखते हैं कि हमारे श्वसन में क्या क्या से कौन कौन से पॉइंट्स और आते हैं, तो जिसमें होता है हमारा बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन इस प्रकार के श्वसन को जंतुओं में बाह्य श्वसन कहते हैं, जो कि कोशिकाओं से बाहर, शरीर से कोशिकाओं से बाहर की भाग में लेते हैं, उन्हें इस प्रकार से होने वाले श्वसन को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। जैसे कि मेंढक, मेंढक क्या होता है, मेंढक जो होता है वह अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता रहता है, ठीक है। तथा अब इसके बाद बाह्य श्वसन के पांच भागों में बांटा गया है। पहला है वह वायुमंडल में से श्वसनांगों द्वारा वायु को ग्रहण करता है, वातावरण से श्वसनांगों को ग्रहण करता है। तथा दूसरा है श्वसनांगों में वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय। दूसरा है श्वसनांगों में वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय। तीसरा पॉइंट है रुधिर द्वारा अपना अन्य किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे उदर या दूसरे कोशिका तक पहुंचाना। तथा चौथा पॉइंट है रुधिर अथवा किसी द्रव को उनके ऊतकों में रुधिर की विभिन्न अवस्थाओं तक पहुंचाना। तथा पांचवा स्थान है रुधिर अथवा अन्य किसी द्रव का कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण करना। ये सारी चीज़ें हमारी बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं हम गैसीय विनिमय की। गैसीय विनिमय की जब आप बात करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है गैस और विनिमय मतलब एक के बदले दूसरा लेना या देना। तो जब हम समानता किसी भी गैस को ग्रहण करें तथा उसके बदले में हम कोई दूसरी गैस प्रदान करते हैं तो उसको हम गैसीय विनिमय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे समानता मिश्रण के रूप में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा वातावरण में पुनः क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी कोशिकाओं से बाहर भेजते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है हमारी गैसीय विनिमय की। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑक्सीजन परिवहन। ऑक्सीजन परिवहन की जब बात करते हैं हम तो ऑक्सीजन की कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त की में उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है वो किसे मिलता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। तो यह क्या करता है, रक्त ऑक्सीजन हमारे नाशिका के द्वारा हमारे रक्त में पहुंचता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। फिर इसके बाद यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन पुनः हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तथा हमारे कोशिकाओं में उपस्थित अन्य किसी ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित कार्बन के साथ यज्ञा के ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्रिया करती है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन से क्रिया करती है तो यह क्या बना लेती है, यह ऑक्सीजन मुक्त कर देती है तथा कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है। कार्बो
सी और वापसी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है पुनः फिर शुद्धता के लिए वापस आती है तथा इसमें उपस्थित या फिर ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलता है तो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में परिवहित होता रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक प्रवेश करता रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो होता है या इसी प्रकार हमारे शरीर में उपस्थित बनी कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग हमारे शरीर में बने कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा जो होता है वह अवशोषित कर लेता है, उसके साथ यह जाके मिक्स हो जाती है तथा 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में और 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में पर मिल जाता है जो कि कोशिकाओं में उपस्थित रहती हैं। फिर उसके बाद रक्त द्वारा ऊतकों में सही श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड से जो बची हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वह कोशिकाओं द्वारा बाहर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता रहता है। फिर इसके बाद है आंतरिक कोशिकीय श्वसन। आंतरिक कोशिकीय श्वसन का से ही स्पष्ट हो रहा है कि आंतरिक कोशिकीय श्वसन आंतरिक कोशिकीय श्वसन से तात्पर्य है जब हमारे शरीर में के अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन या गैसों का संवहन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कोशिकीय श्वसन। मतलब कोई भी गैस जो हमारे कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित की जाती है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक कोशिकीय श्वसन। यह दो भागों में बढ़ता है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जब बात करते हैं ग्लूकोज जैसे पदार्थों को पाइरूविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की जब आप बात करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वह क्या है बदल जाता है पाइरूविक अम्ल में। ठीक है, तथा यह क्रिया कोशिका द्रव्य या कहां होती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे होती है ग्लूकोज जो होता है यह बन जाता है हमारे पाइरूविक अम्ल में कहां पे कोशिका द्रव्य में। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पे निर्भर करता है कि यह ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस तरीके से उत्पन्न होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं हम क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स चक्र की बात जब करते हैं तो इसमें पाइरूविक अम्ल का पूर्ण रूप से विघटन होता है। पाइरूविक अम्ल का विघटन
विघटन होता है तथा यह बन जाता है विघटन से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या रिएक्शन आएगा आपका पायरूविक अम्ल या बदला किसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह क्रिया कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन वायु श्वसन के द्वारा जब ऑक्सीजन के द्वारा जब कार्य होता है तो वह कहलाता है हमारा वायवीय श्वसन। इसके बाद यह वायु श्वसन करते हैं तथा ऑक्सीजन के अभाव में जब कोशिका द्रव्य में पायरूविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीकृत होकर अब ये क्या हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। जब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा उपस्थित नहीं होता है तो हमारा पायरूविक अम्ल किसमें बदल जाता है एथिल एल्कोहल में। ठीक है जो कि क्या कहलाएगा यह हो गया वायवी या हो जाएगा हमारा अवायवी। अवायवी ठीक है इसके बाद यह हम एल्कोहल और क्या बनता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या बन रहा है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरूविक चक्र में क्या होता है एक पायरूविक अम्ल का विघटन होता है कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से होने वाले विघटन को हम क्या कहते हैं वायवीय श्वसन। तथा पायरूविक अम्ल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो वह क्या होता है एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसको कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। इस प्रकार से हमारा क्रेस्ट चक्र का निर्माण होता है। धन्यवाद।